हमास नेता याहर सिनवार की मौत के बाद एक और जहां इजराइल ने युद्ध विराम का संकेत दिया तो वहीं हिजबुल्ला ने नई धमकी दे डाली। शुक्रवार को हिजबुल्ला ने कहा है कि वह इजराइल के खिलाफ जंग के नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि याहर सिनवार की मौत के बाद प्रतिरोध का भावना प्रबल होगी। हमास के शीर्ष नेता सिनवार की मौत पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके सहयोगी ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अभियान के माध्यम से फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता की स्मृति में एक बयान जारी किया है। सिनवार दक्षिणी इसराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इसराइल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गाजा के लोगों को सिनवार की मौत से उम्मीद है कि यह युद्ध की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने का ऐलान करते हुए अपने भाषण में कहा कि हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमास के उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को सुरक्षा बाड़ को ध्वस्त कर इसराइल में घुसकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमले के दौरान कम से कम 250 लोग को अगवा कर लिया गया था। वहीं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा में इसराइल के हमले में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई ने गाजा के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया है, जबकि 23 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में 90% आबादी को विस्थापित कर दिया गया है। इसी बीच हिजबुल्ला ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ इसकी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और पिछले कुछ दिनों में उसने नए हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्ला के ऑपरेशन कक्ष की ओर से शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में कहा गया कि उसके लड़ाकों ने पहली बार नई तरह की सटीक निर्देशित मिसाइल और विस्फोटक ड्रोनों का इस्तेमाल किया। हमास के बाद इसराइल ने 23 सितंबर को हिजबुल्ला के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोला है। हजारों हमलों से इसराइली दक्षिणी लेबनान को तबाह कर चुका है। इसराइल हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह को मारा जा चुका है, सभी टॉप कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। वहीं अब इसराइल 1 अक्टूबर को हुई ईरानी हमले का जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।